भारत की नारी है, हम शर्मिंदा है, अजबा हम शर्मिंदा है, मदद करो। जब होश में आई तो स्त्री वालों की बातों से मैं टूट गई, जब होश में आई तो समाज की बातों से मैं टूट गई। भारत में कोई फर्क नहीं है, सिर्फ ये जो दो कुदरत ने फर्क किए इसके अलावा, ठीक है। ये पितृ सत्ता है, बार बार हम नारा लगा रहे थे कि पितृ सत्ता खत्म करो। ये पितृ सत्ता क्या है ये समझने की जरूरत है। ये पितृ सत्ता है पुरुष तंत्र, ठीक है। आप देखेंगे सारे रिसोर्सेज, जितनी भी संपत्ति है हमारे देश में, उसमें सबसे ज्यादा जो मालिक है वो कौन है? पुरुष। जब पुरुष के पास सारे रिसोर्सेज होंगे तो कौन बनाएगा? पुरुष, ठीक है। तो हमें ये सब बातें घर में करनी है, हमें ये सब बातें अपने कॉलेजेस में करनी है कि हमें पितृ सत्ता में अपने समाज को गुलाम नहीं रहने देना है। हमें अपने घरों में, अपने समाज में, अपने कॉलेजेस में, अपने इंस्टीट्यूशंस में बराबरी लानी है। महिला और पुरुष जब बराबर होकर काम करते हैं तो समाज चलते हैं और तभी हिंसाएं बंद होती हैं, ठीक है। पुरुष कई बार कहते हैं कि महिलाएं छोटे कपड़े पहनती हैं, तो बलात्कार कौन से छोटे कपड़े पहने हुए थे? 6 साल की बच्ची के साथ, 6 महीने की बच्ची के साथ बलात्कार होता है, उसने कौन से छोटे कपड़े पहने होते हैं? 80 साल की बुजुर्ग के साथ बलात्कार होता है, कौन से छोटे कपड़े पहनते हैं? ये छोटे कपड़ों की बात नहीं है, ये छोटी सोच की बात है और हमें छोटी सोच खत्म करनी है, ठीक है। पुरुषों को हक मिल गया है, पुरुष कहीं भी खड़े होकर पेशाब करना शुरू कर देते हैं, उनका बलात्कार तो हम लोग नहीं करते ना, ठीक है। तो हमें ये बात करनी है, ठीक है। हम लोग करवा चौथ मनाते हैं अब, तो परमेश्वर है तो क्यों ना माले पत्नी को। हमें ऐसे परिवार बनाने हैं जहाँ पति पत्नी का रिश्ता ना हो, जहाँ जीवन साथी का रिश्ता हो, जहाँ बराबरी का रिश्ता हो। तू भी मेरा दोस्त। शादी में क्या होता है? लड़की को 5-10% की प्रॉपर्टी देके, दहेज में देके उसको घर से निकाल देते हैं। वो बेचारी हर साल आती रहती है, रक्षाबंधन मनाती रहती है, 501 रुपये उसे मिलता है और सारी प्रॉपर्टी उसका भाई ले जाता है। हमें प्रॉपर्टी लेनी है। कानून है कि लड़की और लड़के को बराबर का संपत्ति का अधिकार मिलेगा, हमें संपत्ति का अधिकार लेना है। जब महिला के पास संपत्ति, फांसी की मांग कर रहे हैं बलात्कारियों के लिए, क्या आपको लगता है फांसी देने से बलात्कार खत्म हो जाएंगे? क्या लोगों को फांसी मिली है पीछे तो अभी बलात्कार खत्म हुए क्या? हम ह्यूमन राइट्स वाले हैं, हम लोग नहीं चाहते कि फांसी हो। हम लोग चाहते हैं कि उन्हें जेलों में रखा जाए और उनके लिए ऐसा कार्यक्रम हो जिससे उनका खुद का सुधार हो, उनको देख के लोग भी सुधरे और उनकी जो ये जो उनकी परवरिश अगर इस तरह से हुई है तो उस परवरिश पे सवाल उठाया जाए। बराबर समझे, उनको घर में बराबरी का हक दें, उन्हें संपत्ति का अधिकार दें। मर्द कहते हैं कि हम लोग पैसा कमा के लाते हैं, हम लोग ज्यादा मेहनत करते हैं। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन कहती है, उसका एक सर्वे के अनुसार पूरे विश्व में से एक औरत के साथ छेड़छाड़, हिंसा या बलात्कार होती है। मतलब 100 करोड़ औरतों के साथ हमारे विश्व में कोई ना कोई तरह की हिंसा। देखा बैजनाथ ब्लॉक में, जहाँ पर बच्चियाँ, जहाँ पर लड़कियाँ, ITI है, कॉलेज है, स्कूल है, सारे स्टूडेंट बाहर निकले ऐसे अत्याचार के लिए, इन बलात्कारों पे आवाज़ उठाने के लिए जो हमारे आसपास घट रहे हैं। आशिमा हमारे लिए एक बहाना है, आशिमा है, दामिनी है, आसिफा, आसिफा है, दामिनी है, वो हमारे लिए एक बहाना है। अभी एक साथी हमारे बोल कर गए कि हमारे साथ में ही लगता जो गांव है पुनेड़, जिसकी हम बात कर रहे हैं, वहाँ पे भी घर में बैठे जो दरिंदे हैं, जो बाप है, जो भाई है, जो दादा है, जो चाचा है, जो मामा है, वो जो बच्चियों के साथ रेप कर रहे हैं, बच्चियों के साथ जो छेड़खानी कर रहे हैं, बच्चियों के साथ जो घिनौनी हरकतें कर रहे हैं, उनसे कौन निपटेगा? महिलाएं निपटेंगी, बच्ची हल्ला।
कभी जुए में हार गए, कभी अग्नि परीक्षा दिलवाई। नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। अरे क्यों घनी अंधेरी सड़कों पर चलने से मन घबराता है? अरे मैं डरती हूँ, मैं डरती हूँ साय से। मुझे डर लगता है कि ना जाने वो कौन सा फिर वो जंगल होगा जो उन बुढ़िया की चीखों से, जो दामनी की, वहाँ पे कितनी दामनियाँ शिकार होंगी। ना जाने वो फिर ऐसा कौन सा मंदिर होगा, ना जाने वो फिर ऐसा कौन सा मंदिर होगा जहाँ पे आसिफा जैसी मासूम लड़कियों का बलात्कार होगा। यहाँ आसपास जो जनता खड़ी है वो सोच रही होगी कि आप लोगों ने अखबारों में पढ़ा होगा इस देश के अंदर, इस प्रदेश के अंदर जो कानून व्यवस्था है वो पूरी तरह से चरमरा गई है। हिमाचल प्रदेश के देवभूमि के अंदर 10-12 दिन पहले गुनेड़ पंचायत में मात्र 12 साल की लड़की के साथ जो है वो गैंग रेप होता है। 12 साल की लड़की जिसकी माँ नहीं है, जिसका भाई नहीं है, वो 12 साल की लड़की के साथ 5-7 लोग जो है वो रेप करते हैं और उस लड़की की हालत इतनी खराब हो जाती है कि उसको उसके बाप भी हॉस्पिटल ले जाने में असमर्थ हुआ।